गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, साइंस गुरु जी में आपका स्वागत है। तो आज हम हमारे चैनल की एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम आज से क्लास 12 के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 12 की फिजिक्स के बारे में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इस जर्नी में आप हमारे साथ बने रहिए। आपको हर चैप्टर के वीडियोस, उसके हैंड रिटन नोट्स, साथ ही साथ न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस वगैरह सब को, जो भी आपको रिक्वायर, जो भी आपके रिक्वायर्ड आइटम्स रहेंगे वो सारे हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर 1, ठीक है। आपका एनसीईआरटी पैटर्न चलेगा, पूरा एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा पूरा सिलेबस, ठीक है। तो चैप्टर 1 आपका आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो नॉर्मली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सबसे पहले नाम के बारे में पढ़ते हैं अपन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका ई, क्लियर। जो भी आपका, जैसे मान लो कोई भी एटम है, उसके न्यूक्लियस के अंदर आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है इसलिए वो डिनोट नहीं होता है, लेकिन प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए हम न्यूक्लियस को किससे डिनोट कर देते हैं, पॉजिटिव से। एंड इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, उसके चारों तरफ रोटेशन करते रहते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या आपका इलेक्ट्रॉन्स। एंड स्टैटिक्स किससे बना है, स्टेशनरी का मतलब क्या आपका, नो मोशन, जीरो मोशन, मतलब जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कोई भी मोशन नहीं करेगा, रेस्ट पोजीशन में रहेगा, किसमें रहेगा, रेस्ट पोजीशन में रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन के इस रेस्ट पोजीशन के बारे में जो भी स्टडी होगी वो कौन से ब्रांच में जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। तो यहाँ पे मेन चीज किसके बारे में बात करेंगे अपन, अभी इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आज किसके बारे में, पूरी तरीके से चार्ज के बारे में। किसके बारे में, चार्ज के बारे में, कि चार्ज क्या होता है, कैसे ट्रांसफर होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या नहीं होती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चार्ज। देखिए चार्ज नॉर्मली क्या होता है, देखिए चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, फंडामेंटल प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि हर मटेरियल के अंदर कुछ ना कुछ चार्ज हो गए। अब आप कहोगे कि सर आइसोलेटेड जो या इंसुलेटर्स जो रहते हैं उनके ऊपर जीरो चार्ज होता है। तो यहां पे बेटा जीरो चार्ज का मतलब ये नहीं है कि यहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी प्रोटॉन नहीं है, नहीं, इसका मतलब है कि इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही क्या है, प्रोटॉन्स है। लेकिन है तो सही, ठीक है तो सही ये दोनों चीजें, लेकिन जो इनके वैल्यूज है, इनके नंबर्स है, वो क्या है, इक्वल होते हैं। जिसका जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस कारण वहां पे अपन क्या मानते, अपन को क्या लगता है कि वहां पे कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है, लेकिन वहां पे चार्ज होता है, क्लियर। तो चार्ज एक क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके बाद इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या आती है कि इसका डिनोट किससे करते हैं, चार्ज का हमेशा किससे डिनोट करते हैं, चार्ज का हमेशा किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, किससे, क्यू से, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से डिनोट कर सकते हैं चार्ज को। इसकी यूनिट क्या रहेगी, यूनिट इसकी रहती है कूलाम, जिसको अपन सी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करेंगे, सी से, क्लियर। चार्ज को डिनोट किससे करेंगे, क्यू से। यूनिट क्या होती है इसकी, कूलाम होती है, जिसको किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, क्लियर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए 1% भी है। तो चार्ज हो गया आपका। अब देखिए चार्ज के बारे में और बातें करते हैं आज अपन। तो चार्ज के बारे में सेकेंड आइटम आता है इसकी, कि यदि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड
सिस्टम विल बी ऑलवेज कॉन्स्टेंट, मतलब कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब हो गया कि उस सिस्टम से बाहर कोई चार्ज नहीं जाएगा, ना ही उस सिस्टम के अंदर बाहर से कोई चार्ज आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये कोई आपका आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम सही तरीके से बनाएंगे अपन, चारों तरफ से बंद होना चाहिए, कहीं से भी नहीं आना चाहिए। ये जो बॉल्स है जो इसकी, ये किसी भी इंसुलेटर से बनी हुई हो सकती है। ठीक है, इसके अंदर मान लो तीन अलग अलग बॉडीज है, ठीक है, ये चार बॉडीज है। ठीक है, तो एक पे मान लिया 1 कूलम चार्ज है, एक पे -2 कूलम चार्ज है, एक पे +3 कूलम चार्ज है, एक पे -4 कूलम चार्ज है। क्लियर, तो पहले इस बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज कितना हो गया आपका 3 एंड 1, +1 +3 -2 -4, कितना हो गया 4 - 6, दैट इज इक्वल टू -2 कूलम चार्ज। तो इस बॉडी के ऊपर, ए बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आ गया आपका -2 कूलम चार्ज। अब मान लीजिए मैंने क्या करा, इस आइसोलेटेड सिस्टम को मैंने शेक करा, हिलाया थोड़ा सा, तो हिलाने के बाद क्या हुआ, हिलाने के बाद ये चार्जेस थोड़े इधर उधर ट्रांसफर हो गए या इधर उधर मूवमेंट करके अपनी पोजीशन चेंज कर ली, जिसके कारण क्या हुआ, मान लो आप चारों सिस्टम थोड़े इस तरीके से हो गए कि इनके ऊपर चार्ज, मान लो इसके ऊपर 2 कूलम, इसके ऊपर 3 कूलम, इसके ऊपर -4 कूलम, इसके ऊपर कितना हुआ, मान लो इसके ऊपर निकालना है कितना होगा, तो इसके ऊपर मान लीजिए मैंने चार्ज मान लिया क्यू, क्या मान लिया क्यू। अब मैंने क्या कहा कि टोटल चार्ज, जितना भी टोटल चार्ज रहेगा इस बॉडी का और इस बॉडी का, दोनों एक ही बॉडी है, ठीक है, ए ये है, ये भी ए ही है, बट इसके अंदर क्या करा मैंने शेक करा, तो आइसोलेटेड था, तो इसका मतलब क्या हुआ, ना तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से बाहर जा सकता है, चार्ज बाहर जा सकता है, ना बाहर से चार्ज अंदर आ सकता है, तो मतलब टोटल चार्ज क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, देखिए -+2 -4 -3 and Q इक्वल्स टू, इसका चार्ज इसके चार्ज के इक्वल होगा -2 के बराबर। क्लियर, तो कितना आ गया +2 -7 +Q = -2, कितना आया -5 + Q = -2, सो क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, ये निकल जाएगा तो +5, देन इट इज इक्वल टू 3 कूलम। तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, 3 कूलम चार्ज आएगा, कौन सा पॉजिटिव आएगा। क्लियर, तब देखिए इसमें कितना चार्ज आ गया, -6 + 4 कितना आ गया -2, इसके ऊपर देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, -4 में से +2 गया तो कितना हो गया -2, दोनों का सेम चार्ज है। इसका मतलब है कि हमेशा कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम रहेगा तो उसके अंदर हमेशा चार्ज क्या रहेगा, चार्ज क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए अब बात करता हूं किसकी, चार्ज की प्रॉपर्टी रहती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब देखो, मैं पहले थोड़ा बेसिक समझा देता हूं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब, जैसे आप मान लो किसी भी शॉप पे जाते हो, ठीक है, मान लो आपको मार्कर ही खरीदना है, तो मार्कर खरीदेंगे तो आप कैसे खरीदेंगे, मार्कर 1 मार्कर 2 मार्कर 3 मार्कर 4 मार्कर, ऐसा थोड़ी नहीं कर सकते कि 2.5 मार्कर दे दे भाई, ठीक है, या 3.5 मार्कर दे दे, ऐसा नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से जब भी चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है, ठीक है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है, तो उस जगह हमेशा चार्ज भी किस फॉर्म में जाता है, एक कंप्लीट नंबर के रूप में। ठीक है, कंप्लीट नंबर का मतलब हो गया कि आप चार्ज को, जैसे ये क्वांटाइजेशन का मतलब हो गया एक कंप्लीट नंबर, ठीक है, क्वांटाइजेशन का मतलब हो गया कंप्लीट नंबर ऑफ ए पर्टिकुलर पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर अमाउंट का जो कंप्लीट नंबर होगा वही क्या कहलाएगा, क्वांटाइजेशन। जैसे यहां पर कंप्लीट पर्टिकुलर अमाउंट क्या रहेगा, किस अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं,
तो यहां पे देखिए ध्यान रखने की बात है कि जो सबसे छोटा इंडिपेंडेंट चार्ज द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज, स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज क्या होता है, स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज आपका रहता है कि चार्ज इज इक्वल टू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। हमेशा किसी भी चीज के ऊपर या पूरे यूनिवर्स में जो सबसे छोटा चार्ज का वैल्यू रहेगा इंडिपेंडेंट, ठीक है, एकदम स्वतंत्र रहेगा, जो किसी के ऊपर भी या किसी से भी क्या नहीं रहेगा, किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहेगा, इंडिपेंडेंट जो रहेगा आपका चार्ज का सबसे छोटा वैल्यू वो क्या रहेगा, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज रहता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज रहता है बताइए, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, दिस इज द चार्ज ऑन द वन इलेक्ट्रॉन, सो वन इलेक्ट्रॉन सॉरी −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। यदि मैं प्रोटॉन की बात करता हूं तो प्रोटॉन के ऊपर भी क्या चार्ज रहता है, प्रोटॉन पे भी इतना ही चार्ज रहता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, बट ये किस में रहता है, पॉजिटिव में, क्लियर। तो इससे कम चार्ज कभी भी नहीं होगा, ठीक है, इससे कम चार्ज कभी भी नहीं होगा। तो हमेशा चार्ज जो रहेगा वो कैसे ट्रांसफर होगा, मान लीजिए एक ये बॉडी है एक ये बॉडी है, दो बॉडी है, ठीक है, तो मान लो मैं कहूं कि इस बॉडी से इस बॉडी में मेरे को चार्ज ट्रांसफर करना है, तो चार्ज का ट्रांसफर करने के लिए इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होंगे, प्रोटॉन्स तो कभी ट्रांसफर नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन्स तो किससे होते हैं, प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस में होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स जिस फोर्स से जुड़े हुए रहते हैं वो विश्व या यूनिवर्स का सबसे ताकतवर फोर्स रहता है, जिस कारण अपन इसको तो बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए प्रोटॉन का भी मूवमेंट नहीं करेंगे, वो हमेशा न्यूक्लियस में फंसे रहेंगे, लेकिन मूवमेंट कौन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे वो इस पॉइंट से इस जगह जाना स्टार्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चल सकते हैं कि वन इलेक्ट्रॉन चल जाए, टू इलेक्ट्रॉन चल जाए, थ्री इलेक्ट्रॉन चल जाए, फोर इलेक्ट्रॉन चल जाए, या ऐसे जा सकते हैं 3.2.5 इलेक्ट्रॉन, ढाई इलेक्ट्रॉन चल जाए, तो ढाई इलेक्ट्रॉन भेज सकते हो क्या, वह एक इलेक्ट्रॉन भेज दिया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भेज दिया, और फिर तीसरे टाइम में आपने क्या करा, आधा इलेक्ट्रॉन को काट सकते हैं क्या, नहीं काट सकते, तो किस कारण क्या करेंगे अपन कि ये वाला जो वैल्यू है ये भाई एक्सेप्टेबल नहीं है भाई, इलेक्ट्रॉन का हम काट नहीं सकते, तो ढाई इलेक्ट्रॉन कैसे भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते, इसलिए हमेशा इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, किस में ट्रांसफर होंगे, हमेशा कंप्लीट मल्टीपल के रूप में, इलेक्ट्रॉन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन जाएगा, तीन इलेक्ट्रॉन जाएगा, या डॉट 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 एन इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, मान लो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन गया तो वन इलेक्ट्रॉन चार्ज हो गया, ठीक है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर गया था, इस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, इससे गया था, इस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है, तो वन इलेक्ट्रॉन हो सकता है या -1 या चार्ज हो गया, क्या कर सकता हूं, क्यों, ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन चार्ज या -1 इलेक्ट्रॉन चार्ज या -2 इलेक्ट्रॉन चार्ज या +2 इलेक्ट्रॉन चार्ज या -3 इलेक्ट्रॉन चार्ज +3 इलेक्ट्रॉन चार्ज, ऐसी तरीके चलते रहेंगे, तो प्लस एन इलेक्ट्रॉन चार्ज और -n इलेक्ट्रॉन चार्ज दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखा तो क्या आया +-n, मतलब q की वैल्यू हमेशा किसके बराबर रहेगी, +-ne, जहां पे q क्या है, टोटल चार्ज ऑन बॉडी, क्लियर, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो कि हमेशा क्या रहेगा, एक इंटीजर रहेगा, क्या रहेगा, इंटीजर क्या होते हैं, -1, -2, -3, -4 से लेके -infinity तक, एंड 0, 1, 2, 3, 4 .. इन्फिनिटी तक, ये सारे क्या होते हैं, इंटीजर, जो कि पॉइंट्स में नहीं होते, जितने भी रेशनल नंबर है उन सब रेशनल नंबर को छोड़ के सारे नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, और ई क्या है, ये रहा ई आपका, दिस इज द ई,
चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन पे जो भी चार्ज रहेगा वही क्या रहेगा आपका e का वैल्यू, और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज रहता है माइनस 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्या बात निकल के आई भाई, क्या कहेंगे अपन टोटल मिला के क्या बात आई, तो टोटल बात क्या है q इज इक्वल टू एन ई, दिस इज द चार्ज ऑफ एनी बॉडी, किसी भी बॉडी पे चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का एक मल्टीपल होगा, कंप्लीट मल्टीपल होगा, जिसमें वो कंप्लीट मल्टीपल क्या होगा हमेशा एक इंटीजर होगा। अब मान लीजिए मैं इसको समझाने के लिए थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, क्या कहता हूं कि मान लो ये एक बॉडी थी ए, ये दूसरी बॉडी आ गई बी, ठीक है ए दूसरी बॉडी आ गई बी, तो ए से बी पे मैंने जब इन दोनों के ऊपर चार्ज का ट्रांसफर करा तो मैंने देखा कि इसके ऊपर 1 कूलम चार्ज आ गया, कितना चार्ज आ गया 1 कूलम चार्ज आ गया बी पे, तो मेरे को ये बताओ कि ए से बी तक कितने इलेक्ट्रॉन्स कम ट्रांसफर हुए, ठीक है ए से बी तक मैंने ए से बी में नहीं इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर ट्रांसफर करे मैंने, ठीक है तो मैं क्या करूंगा क्यू की वैल्यू, इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया टोटल, क्यू इज इक्वल टू टोटल चार्ज, टोटल ट्रांसफर चार्ज दैट इज इक्वल टू 1 कूलम, एन की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, भाई नहीं पता मेरे को तो एन ही मान ली, मेरे को नहीं पता एन मान लिया मैंने, एंड ई क्या है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, कितना है 1.6 टेन टू द पावर माइनस 19 कूलम। वैल्यू करेंगे अपन तो एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई, इस फॉर्मूले से आ गया, एन की वैल्यू निकालने तो ई कहां चल जाएगा क्यू के नीचे चल जाएगा, ठीक है क्योंकि वैल्यू कितनी है 1 कूलम भाई 1 कूलम रख दिया, e कितने हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, क्लियर। तो ऊपर मेरा मैंने इसको हटा दिया, यहां पे जीरो आ गई, ठीक है 10 की पावर 19 तो प्लस में ये आ गई, मल्टीप्लाई डिवाइड करो नहीं जा रहा डिवाइड, 0.166 96 4 0.62 32 एंड 65 80, यानी 6.25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स अपने क्या हुए, इतने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करूं मैं यहां से यहां पे ट्रांसफर करूंगा तब जाके इसके ऊपर कितना आएगा चार्ज 1 कूलम चार्ज आएगा, तो 1 कूलम चार्ज पॉसिबल है या नहीं है, है भाई क्योंकि ये क्या है एक कंप्लीट इंटीजर, आप तो कहोगे सर पॉइंट आ रहा है, नहीं है भाई कंप्लीट इंटीजर है, अरे मेरे महाराज हो क्या होगा 6250000015 टाइम्स तक और जीरो लगा दो तो ये कंप्लीट इंटीजर हुआ कि नहीं हुआ, कंप्लीट नंबर हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना, अब आप आया पॉइंट नहीं आया ना, ठीक है यदि मान लो इतना ही नहीं आता 6.25 ये आता मान लो एन की वैल्यू तो क्या पॉसिबल था क्या 1 कूलम चार्ज, नहीं उस कंडीशन में 1 कूलम चार्ज पॉसिबल ही नहीं था, तो आप ये कह ही नहीं सकते कि ए से बी तक आप 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि साहब क्या 6.25 मतलब 6 तो इलेक्ट्रॉन हो गए और एक इलेक्ट्रॉन का 1/4 हो गया, इलेक्ट्रॉन का भाई साहब इलेक्ट्रॉन को 4 भागों में देखे देखे मुक्के की 4 भागों में तोड़ सकते हो क्या, ना भाई नहीं तोड़ सकते, इतना सा तो है कहां से मुक्के का मारोगे, नहीं मार सकते, तो ये पॉसिबल नहीं था, हमेशा पॉसिबल क्या होगा या तो ये पूरा होगा या 6 होगा या 7 होगा इनफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, समझ में आ गया। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि वी कैन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज, ठीक है
फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन द ओनली अ कंप्लीट मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, कि हम इलेक्ट्रॉन्स को कभी भी ट्रांसफर करना चाहेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर तभी कर पाएंगे जब उस बॉडी के ऊपर चार्ज, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसका एक क्या हो, कंप्लीट मल्टीपल हो। यदि कंप्लीट मल्टीपल नहीं होगा तो उस कंडीशन में हम कभी भी बॉडी के ऊपर चार्ज ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये क्या आ गया आपका, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज खत्म हो गया। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला क्या आया, क्यू इज इक्वल टू एन ई, जहां पे क्यू क्या है टोटल चार्ज, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई क्या है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं आप इसके बाद। अब इसके बाद आता है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, पढ़ रखा होगा भाई। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, बचाना, उसको सुरक्षित रखना। कंजर्वेशन मतलब क्या, संरक्षण, प्रोटेक्शन, उसकी देखभाल करना, उसको संभाल के रखना, उसके सुरक्षा करना, ठीक है। मतलब ना तो वो टूटे ना ही बढ़े, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे रटी रटाई लाइन है सबकी, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन का लो था, अपन ने पढ़ रखा है एनर्जी कंजर्वेशन का लो क्या था, कि वी नाइदर क्रिएट एनी एनर्जी नॉर डिस्ट्रॉय एनी एनर्जी, ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वो ही सेम टू सेम इसी के अंदर आ जाएगा, वी नेदर क्रिएट एनी चार्ज नॉर डिस्ट्रॉय any charge, only बस only transfer, सिर्फ क्या कर सकते हैं transfer charge from one body to another। क्लियर, कि हम ना तो चार्ज, नया चार्ज बना सकते, इलेक्ट्रॉन बना सकते हो क्या तुम, है नहीं बना सकते। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को ना तो चार्ज कम, ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना तो बना सकते हैं नया, ना ही किसी ऑलरेडी अवेलेबल चार्ज को खत्म कर सकता है भाई, उसको पीट पाट के कूट काट के उसको भाई खत्म कर दो, ना खत्म भी नहीं कर सकते, ठीक है। ओनली क्या कर सकते हैं ट्रांसफर भाई, किस जगह से उस जगह भेज दिया, उस जगह से उस जगह भेज दिया, उस जगह से उस जगह भेज दिया, उस जगह से मेरे पास तुम्हारे पास आ गया, तुम्हारे पास से मेरे पास आ गया, ठीक है। तो ट्रांसफर ही हो सकता है, ना कि बना सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं। तो यही क्या है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो यही क्या गलत है आपका, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल से ही है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल सा है, रटी रटाई लैंग्वेज है, ठीक है। तो अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक आपका चार्जिंग। चार्जिंग मतलब चार्ज करना, चार्ज कैसे कर सकते किसी भी बॉडी को। तो किसी भी बॉडी को चार्ज करने के आपके तीन तरीके हैं, तीन तरीके। पहला कंडक्शन, दूसरा इंडक्शन एंड फ्रिक्शन। क्या रहेगा, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन एंड फ्रिक्शन, ठीक है। कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन के अंदर क्या हुआ भाई, देखो सबसे पहले कंडक्शन की बात करता हूं, किसी याद करता हूं कंडक्शन की। कंडक्शन के अंदर क्या होगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब मान लो भाई साहब ये ए आ गया आपका, ये बी आ गया, ठीक है। ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, बी क्या है, बी क्या है न्यूट्रल, समझ में आ गया होगा न्यूट्रल का मतलब। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं, ना इलेक्ट्रॉन है ना प्रोटॉन है। बी का मतलब क्या होगा, न्यूट्रल का मतलब क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉन है भाई उतने ही प्रोटॉन है, जिसका उनका टोटल क्या हो गया, जीरो हो गया, और इसके ऊपर ये कैसा हो गया, ये वर्ल्ड न्यूट्रल कहला गया, ठीक है। तो अब मान लो मैं इसे कंडक्टिंग मटेरियल से जोड़ देता हूं, या तो कंडक्टिंग मटेरियल से जोड़ दूं, या एक दूसरे को टच करा दूं, अंदर घुस गया है तो अंदर नहीं घुसना चाहिए, ये तो टच ही होना चाहिए, टच हो गया, ठीक है। तो दो मेथड है, ये तो क्या है, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दूं,
ठीक है, या फिर टच करवा दो, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज रहेगा ये इसके ऊपर क्या होने लग जाएगा, ट्रांसफर होने लग जाएगा, इसके अंदर एंटर करने लग जाएगा। तो इसके ऊपर भी क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहां पे ध्यान रखना कि क्या ये चार्ज मान लो इसके ऊपर क्यू है, तो क्या जब मैं इसको अलग सेपरेट करूंगा, वापस मैंने इसको दूर दूर कर दिया, यहां पे ले आया बी बैटरी, यहां के ये आ गया, तो इसके ऊपर तो चार्ज रहेगा वो इसके चार्ज का आधा रहेगा क्या, हो सकता है आधा, लेकिन कब, जब इन दोनों की शेप, साइज एंड मटेरियल, शेप साइज और मटेरियल तीनों क्या हो, इक्वल हो, तीनों सेम टू सेम हो, तो उस कंडीशन में यदि इसके ऊपर क्यू चार्ज था तो कनेक्शन के बाद इसके ऊपर क्या चार्ज बचेगा, क्यू अपॉन टू, और इसके ऊपर भी क्या बचेगा, क्यू अपॉन टू। लेकिन यदि इनके शेप साइज और मटेरियल में कोई भी एक चीज में डिफरेंस आ गया तो यहां पे इस वैल्यू को अपन नहीं बता सकते, ठीक है, इस वैल्यू को अपन नहीं बता सकते, किसी भी रेशियो के अंदर क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या, कंडक्शन, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर देंगे भाई, चाहे कंडक्टिंग मटेरियल से करेंगे तो भी इसके अंदर क्या जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने लग जाएंगे, उधर की तरफ जाने लग जाएंगे, भगने लग जाएंगे भाई तुरंत, ठीक है। वही बात, यहाँ पे खूब सारे इलेक्ट्रॉन है, उनको तो वही चाहिए ना, तो आप आराम से रह सके, आराम से ना रहेंगे भाई, न्यूट्रल है, कोई जगह नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे चलो तुरंत, ठीक है। तो वही बात कि हमेशा जब भी ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, चार्ज ट्रांसफर होगा तो कौन ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पसीने आ गए भाई, मेहनत, ठीक है। तो समझ में आ गया, कंडक्शन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, चाहे तो कंडक्टिंग मटेरियल से कॉन्टेक्ट कराओ, चाहे इनको टच कराओ, मटेरियल चार्ज हमेशा कराएंगे, डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए, फर्स्ट क्लियर, सेकंड बात करता हूं इंडक्शन, इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन में नॉन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भाई, कॉन्टेक्ट नहीं कराना है डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होगा, तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होगा तो भाई कैसे करेंगे अपन चार्ज को ट्रांसफर, चार्ज कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, तो चार्ज को ट्रांसफर बिना डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के देखो कैसे करेंगे। मान लो कि ये कोई मटेरियल अपने पास, ठीक है, इस मटेरियल के ऊपर चार्ज बनना है, अभी न्यूट्रल है ये, अभी क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। अब इस मटेरियल के ऊपर चार्ज बनना है और मैंने कह दिया भाई तुम इसके ऊपर कौन सा लाओ, पॉजिटिव लाओ, पॉजिटिव चार्ज लाओ, तो पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक नेगेटिव चार्ज आइटम लूंगा जिसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज वाला कोई भी एक चीज ले ली, इसको जब मैं इसके पास लेके जाऊंगा तो ये नेगेटिव चार्ज वाला आइटम क्या करेगा, जैसे ही इसको कॉन्टेक्ट नहीं करा रहा हूं, बीच में कुछ नहीं है ना, तो ये मटेरियल भी नहीं है, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल भी नहीं है, और ना ही इनको मैं क्या करा रहा हूं, टच करवा रहा हूं, तो जैसे ही मैं इनको एक दूसरे के पास रखता हूं, टच बिना टच कराए पास रखता हूं, तो देखता हूं कि ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्या करेगा, नेगेटिव अपनी तरफ तो किसको बढ़ाएगा, पॉजिटिव को, इस साइड तो क्या आ गया पॉजिटिव, और इस साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है, अपने आप में नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करता है, जैसे आप बता रखा है कि नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्शन, मतलब सेम चार्ज होंगे तो रिपल्शन, वही बात, एक जैसे आदि रहेंगे, मैं हूं और मेरे जैसे एक और है तो रिपल्शन होगा, दोनों लड़ेंगे भाई, है, और अलग अलग होंगे, मैं साइंस का हूं, फिजिक्स का हूं, वो दूसरा मैथ का आता है, तो हम दोनों बीच में क्या रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा भाई, यहाँ तेज, मेरे को तेरे से कोई दिक्कत नहीं, तेरे को मेरे से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन फिजिक्स वाले सामने फिजिक्स वाला आएगा तो क्या आएगा, वो तो रहेगा ही, कह रही फिजिक्स वाला है, मैं फिजिक्स वाला हूं, ठीक है। तो सेम वाले क्या करेंगे, थोड़ा सा रिपल करेंगे, ठीक है, अपोजिट वाले अट्रैक्ट करेंगे, मतलब लड़का लड़की के लिए क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा, लेकिन लड़का लड़के के लिए रिपल ही करेगा, समझ गए। तो इस तरीके से क्या हो गया आपका, समझ में आया कि अब यहां पे नेगेटिव है तो इसलिए किसको अट्रैक्ट करेगा, किसको बुलाएगा अपने पास, पॉजिटिव को, और ये नेगेटिव की तरफ चल जाएगा, दूर जाएगा, कोई बात, नेगेटिव से तो नेगेटिव डरता है, तो नेगेटिव दूर भाग जाएगा। अब इसको मैंने क्या करा, अर्थ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है,
अर्थ से कनेक्ट कर दिया, अर्थ से कनेक्ट करते ही ये पूरा नेगेटिव चार्ज तो किसे चल जाएगा, अर्थ के अंदर चल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स किसे भर जाएंगे, अर्थ के अंदर समा जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से खाली हो जाएंगे और इस पूरे बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज बचेगा, ओनली कौन सा चार्ज बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा। फिर इसको हटा दूंगा, हटाते इसके ऊपर हो गया अपने आप ही पॉजिटिव चार्ज क्रिएट। तो इस तरीके से यहाँ पे कौन सा मेथड वर्क करा, इंडक्शन, कौन सा वर्क मेथड करा, कौन सा मेथड वर्क करा, क्या इंडक्शन, बिना कॉन्टेक्ट के भी मैंने न्यूट्रल वाली चीज को किसमें कन्वर्ट कर दिया, पॉजिटिव चार्ज में, ठीक है। यदि मैं यहाँ कहूं कि मेरे को नेगेटिव चार्ज चाहिए भाई यहाँ पे, इसलिए पूरा नेगेटिव बना वाली, तो नेगेटिव बनाने के लिए मेरे को यहाँ पे कौन सा लगाना पड़ेगा है, पॉजिटिव, वेरी गुड, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव लाऊंगा तो भाई साहब वही चीज पॉजिटिव के पास नेगेटिव इकट्ठा हो जाएगा, इधर साइड पॉजिटिव इकट्ठा हो जाएगा, अर्थ से कनेक्ट करूंगा। तो अर्थ क्या है, इलेक्ट्रॉन का ओशन है, इलेक्ट्रॉन का समुद्र है, ठीक है, चाहे समुद्र के अंदर डाल लो चाहे समुद्र से निकाल लो, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, वापिस आएंगे भाई इसके पास, पॉजिटिव वाले के पास, ठीक है, अट्रैक्टेड है पॉजिटिव वाला अर्थ, समुद्र में से खींचेगा, तो समुद्र में से जैसे खींचेगा तो समुद्र में से खींचते ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इनको न्यूट्रल कर देंगे और यहाँ पे काम खत्म, इसको कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर दूंगा और डिस्कनेक्ट करते इस पूरे के ऊपर क्या जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज फैल जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, डन। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं आप, थर्ड पॉइंट आपका आता है क्या, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है भाई, फ्रिक्शन बचपन से आप देखते आ रहे हैं, जैसे फ्रिक्शन का मैक्सिमम अपन काम में कर लेते हैं, फ्रिक्शन को जो भी इंसुलेटर्स रहते हैं, इंसुलेटर्स मतलब जिनके अंदर करंट फ्लो नहीं करता है, तो जितने भी इंसुलेटर, जैसे मान लीजिए पेन है, ये मार्कर अपना, ये मार्कर किसका बना है, प्लास्टिक का, प्लास्टिक इंसुलेटर है, ठीक है। तो इंसुलेटर, इंसुलेटिंग मटेरियल्स को हमेशा चार्ज ट्रांसफर करने के लिए, इनके ऊपर चार्ज डालने के लिए हमेशा किसको काम में लेते हैं, फ्रिक्शन को काम में लेते हैं। जैसे बचपन में करते थे, सिर के रब करा और भाई साहब कागज के ऊपर लेके जाते थे, तो कागज क्या करता था, इसको अट्रैक्ट करता था, ठीक है। तो वही काम क्या होता है, फ्रिक्शन। देखो कैसे, जैसे मान लो दो इंसुलेटिंग मटेरियल है, ये आ गया एक इंसुलेटिंग मटेरियल, एक ये इंसुलेटिंग मटेरियल। अब इंसुलेटिंग मटेरियल का मतलब न्यूट्रल रहेंगे दोनों के दोनों, क्या रहेंगे, न्यूट्रल। अब वापिसा न्यूट्रल है दोनों के दोनों, चार्ज दोनों के ऊपर इक्वल है, तो भाई साहब कैसे चार्ज कैसे क्रिएट होगा। तो यहां पे देखो कि जब मैं इनको रब करूंगा, क्या करूंगा, रब करूंगा, रब करा, रब करे, हाथ को रब करो, करे रब, क्या हुआ, हाथ गर्म होने लगे, गर्म होने लगे, तो क्या बनेगी यहाँ पे, थर्मल एनर्जी क्रिएट होगी, क्या होगी, थर्मल एनर्जी क्रिएट होगी। और जैसे ही ये थर्मल एनर्जी क्रिएट होती है, तो इस थर्मल एनर्जी को लेके जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स इस थर्मल एनर्जी को क्या करते हैं, अपने एब्जॉर्ब करते हैं, वो लेते हैं। और जैसे इनको ये थर्मल एनर्जी इतनी मिल जाए कि ये इनके सामने जो न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है, न्यूक्लियर जो इंटर न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है, या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जो वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से जैसे ही ज्यादा हो जाती है इन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इसके दे लात की, दे किक, और क्या कहेंगे, भाई हम तो जा रहे हैं, निकलो यहां से, और ये तुरंत क्या होंगे, निकल जाएंगे। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक दूसरे में ऐसे इस तरीके से ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। अब तुमको अभी सर इससे इसमें जाएगा, इससे इसमें जाएगा, ये एक अलग चीज है कि यहाँ पे क्या मटेरियल पे डिपेंड करता है कि मटेरियल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कि इलेक्ट्रॉन्स को लेने की ताकत रखता है, इलेक्ट्रॉन को देने की ताकत रखता है। तो मटेरियल्स जो रहेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि इलेक्ट्रॉन इससे इसमें जाएंगे, इससे इसमें जाएंगे, लेकिन सीधी सी बात है, जाएंगे तो सही, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर हो गए, तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए, इधर से इधर चल गए, तो ये तो क्या हो गया आपका, नेगेटिव बन गया, और ये क्या बन गया, इससे इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया, हो गए दोनों चार्ज, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो इस तरीके से न्यूट्रल्स भी किसमें बदल गए, इंसुलेटर्स भी किसमें बदल गए, चार्ज पार्टिकल्स में, चार्ज आइटम्स में, सिस्टम्स में,
किसकी मदद से? फ्रिक्शन की मदद से। तो इस तरीके से ये तीनों कंप्लीट होते हैं। तो इस तरीके से आपका चार्ज के बारे में सारा नॉलेज कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इसके अलावा यदि आपको कोई भी दिक्कत हो, किसी भी पॉइंट में दिक्कत हो, ठीक है, कोई भी मेरी लैंग्वेज में दिक्कत हो, कहीं पे भी किसी पॉइंट के अंदर कोई दिक्कत हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालें, ठीक है। और साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन को आप चेक करें, वहां पे आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे इस पूरे चैप्टर के, हाथ से लिखे हुए नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, पीडीएफ में। तो उसको डाउनलोड करके उसको जरूर अपने नोटबुक के अंदर सेपरेट उतार लें और नोट्स बनाते हुए चले, ताकि अपन को आगे ज्यादा वर्क करने की जरूरत ना पड़े, और जैसे ही दिक्कत आए तो अपन अपने नोट से पढ़ाई कर लें, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।